बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का YouTube चैनल पेपर हैकर में, और मैं हूं सूरज राज। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र BA फर्स्ट सेमेस्टर से हैं, तो अब उनका उन्होंने सब्जेक्ट ले रखा है अपना होम साइंस। तो होम साइंस वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो ध्यान से सुन लें मेरी बात को और चुपके से इस वीडियो को देख लें। ये MJPRU रोहलखंड यूनिवर्सिटी बरेली वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं मेरी बात को। ये जितने भी स्टूडेंट MJPRU रोहलखंड यूनिवर्सिटी वाले हैं, 2022 में आने वाले क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपका पेपर होने वाला है अभी हाल ही में, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और याद रखना, इसके अलावा कुछ और मत पढ़ना तुम पेपर में, खाली फालतू टाइम बर्बाद मत करना। आज के बाद आप वो पढ़ो जो पेपर में आ रहा है, बाकी कुछ मत पढ़ो, वो पढ़ो जो पेपर में आ रहा है, समझ रहे हो। और इस वीडियो में आपको पता होगा कि जो आपका पेपर बन रहा है वो वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन बन रहा है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके 5 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट बन रहे हैं, और जो शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं वो 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, और जो लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपके 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। टोटल आपके 10 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, मतलब कि 3 क्वेश्चन आपको, 10 क्वेश्चन आपको करने होंगे, और पूछ कितना रहा है, 14 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जिसमें से 10 क्वेश्चन आपको करने होंगे, ठीक है। तो सभी छात्रों से कहना चाहेंगे कि पेपर हैकर को अभी सब्सक्राइब कर लो। यदि आपका भाई बहन हाई स्कूल इंटर BA BSc BCom कुछ कर रहा है तो पेपर हैकर को उन्हें बताओ कि पेपर हैकर से पढ़ाई करें, बाकी कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं जो जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ उन क्वेश्चनों पर अपने बुक नोट्स के पर टिक लगा लेना। यदि नोट्स वगैरह नहीं है तो आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, ओके। अब यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ, पहला क्वेश्चन आपको याद करना है जिसे कहते हैं पाचन तंत्र, डिजाइजेशन सिस्टम क्या होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में देखने को मिलेगा, 100% छप रहा है, ये पेपर में छप रहा है, समझ रहे हैं। आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे पेपर हैकर को, हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाएगा। और जैसे ही आपका पेपर हो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7037327378 और 38 पर आप हमें तुरंत सेंड कर देंगे। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ बात करने, ग्रह विज्ञान के महत्व क्या होते हैं, उनकी परिभाषा, ग्रह विज्ञान के महत्व और उनकी परिभाषा को आप याद करेंगे। उसके बाद में मानव कोशिका की संरचना, देखो मानव कोशिका जानते हो, मानव कोशिका की संरचना उसकी विशेषता के बारे में आप याद करेंगे। मानव कोशिका जानते हो, सेल्स जो होती हैं उनके बारे में, हमारी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी होती है, ठीक है, वही चीज़ आप देखेंगे। और श्वसन तो आप जानते होंगे, जिसे हम सांस लेते हैं, तो श्वसन तंत्र का कार्य क्या होता है, सांस लेना ही कहलाता है पूरा सिस्टम जो होता है। हृदय की संरचना जानते हो, हार्ड की संरचना कैसी होती है, हार्ड का कार्य क्या होता है, वो आप देखेंगे। अब देखो धमनी और सिरा क्या होता है, धमनी वो होता है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, सिरा वो होता है जो अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है, और उन दोनों में अंतर आपको बता देना है, ठीक है। उसके बाद में आप नीचे जाते हैं, अब नीचे आपको बताया जो भोजन पोषण क्या होता है, भोजन के कार्य क्या होते हैं, कुपोषण क्या होता है, संतुलित आहार वो आहार होता है जो हमें हमें हमारी बॉडी को जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करता है, वो संतुलित आहार के अंतर्गत रखा जाता है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद हम याद करेंगे, चुपके से देख लेना और अपने दोस्तों को बता देना चुपके से कि यार इस वीडियो को देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, फालतू ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आराम से चुपके से देखो वीडियो को और अपने दोस्तों को बता दो, उनको भी साथ में पास कराना नहीं कराना, हाँ, कि तुम ही पास होना चाहते हो, टॉप करना चाहते हो 2022 में, 85% प्लस ला रहे हो ना, तो पेपर हैकर को अभी सब्सक्राइब कर लो। अब यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ कह रहा है बसा का वर्गीकरण देख लेना। और देखो कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा ऊँचे जाते हैं, विटामिन तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा, जल में घुलनशील, बसा में घुलनशील, ठीक है, याद रखना। उनके कारण, उनके रोग क्या क्या रोग हो जाते हैं कौन से विटामिन के कारण, वो सभी जानते हो, विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन बी से बेरी बेर, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से सूखा रोग, ठीक है ना, ये चीज़। भोजन बनाने की विधि आप जानते हैं, भोजन किस तरीके से बनाया जाता है, भोजन बनाने की विधि, यार लड़कियां हो तुम तो यार बनाना तो जानते हो भोजन कैसे बनाया जाता है। चलो उसके बाद बाल विकास का सिद्धांत मोस्ट इंपोर्टेंट है, बाल विकास का सिद्धांत को पढ़ के जाना, बाल विकास के सिद्धांत को, ठीक है, बाल विकास की परिभाषा, बाल विकास कैसे हुआ, बाल विकास का सिद्धांत को, ठीक है। और चलो उसके बाद में गर्भावस्था जानते हो, गर्भावस्था जब प्रेग्नेंट लड़की हो जाती है, मतलब महिलाएं जो हो जाती हैं, ठीक है, उनके लिए प्रेग्नेंट के लक्षण कैसे होते हैं, मतलब वो क्या देखने को मिलते हैं, यदि कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। गर्भकालीन विकास की अवस्थाएँ, तो गर्भकालीन विकास की अवस्थाएँ कौन कौन सी, वो आप याद करेंगे। यहाँ क्या प्रवस पीड़ा क्या होती है, प्रवस पीड़ा जानते हो, प्रवस पीड़ा जो होती है जब जब हमें पीरियड आते हैं, जो लड़कियों को पीरियड आते हैं उनकी जो पीड़ा देखने को मिलती है, जो दर्द होता है, जैसे महसूस अचानक टूटना होता है ना, अंदर से कुछ कोड़ी मुड़ी हो रहा है पेट में, तो वो चीज़ वो प्रवस पीड़ा कहलाती है, उसके बारे में याद कर लेना क्या होती है, उसके कैसे आप डिसाइजन करेंगे, आप ले लो आप ले लो, ठीक है। और कुशाकोर आप जो कह सकते हैं, जो
षोडशवा अवस्था होती है ना, षोडशावस्था भाई, गति गतिवान विकास, इसको छोड़ रहा हूँ, इसको देखो गति गति विकास क्या होता है, आप इसको पढ़ लेना है। और उसके बाद में आता है रक्त का संगठन के बारे में, रक्त का संगठन कैसे होता है, ठीक है। अग्न्याशय जानते हैं, जैसे पेंक्रियास बोलते हैं, इसमें लैंगरहांस की तुपिकाएँ, ठीक है, वो पाई जाती हैं। और अग्न्याशय का अग्न्या देखो अमाशय, अमाशय में पाचन कैसे होता है, मतलब हमने डिजाइजेशन सिस्टम जो पढ़ा था ऊपर, तो वही बात हमने पाचन अग्न्याशय अमाशय के पाचन के बारे में पढ़ेंगे, स्टोमच के पाचन के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ इसको छोड़ सकते हैं। यकृत लीवर की संरचना कैसी होती है, लीवर क्या होता है, लीवर की संरचना के बारे में आप देखेंगे, ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है, ठीक है, वो आप उसके बाद में रिकेट्स रोग का कारण क्या होता है, उपचार बताइए, ये आप देख लेना रिकेट्स रोग के। अग्न्याशय क्या होता है, अग्न्याशय मैंने आपको बताया ना, अग्न्या सॉरी अंडाशय, अंडाशय होता है जिसे ओवरी कहते हैं, जिसमें आपका जो बच्चा पैदा मतलब बच्चा बनता है अंडाण, जैसे स्पर्म, ये आपकी विजेनी मान लो, ये यूनि है आपकी, ठीक है, महिलाओं की जो यूनि होती है, उसमें क्या होता है, जब स्पर्म स्पर्म जाते हैं अंदर, स्पर्म पहुंचते हैं, तो एक अंडाणु जो महिलाओं की यूनि में क्या होता है, अंडाणु का जन्म होता है, जो हमारे जब पीरियड आते हैं तो उसमें एक अंडाणु जब वो फ्रेश हो जाती है लड़कियां, तो उस दिन क्या होता है, अंडाणु उत्पन्न होते हैं, ठीक है। जब अंडाणु उत्पन्न होते हैं तो जब स्पर्म जाते हैं तो अंडाशय, अंडाशय वहीं जब वो स्पर्म अपना संक्रमण पूर्ण मतलब कि दोनों हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं, संक्रमण कर लेते हैं अंदर, ठीक है, फर्टिलाइजेशन निषेचन कर लेते हैं, तब वहाँ क्या होता है, तब वहाँ अंडाशय के अंदर ही, अंडाशय के अंदर प्रवेश कर लेता है, वो क्या होते हैं, फिर वो गर्भावस्था में आ जाती हैं, तो गर्भधारण उस समय कर लेती है वो महिलाएं। ये चीज़ पोजीशन होती है, मैं इसको बताऊंगा आपको। ये देखो गर्भवती माँ का देखभाल आप किस तरीके से करेंगे, मान लो एक प्रेग्नेंट लड़की है या फिर महिला है, उस माँ की आप देखभाल किस तरीके से करने वाले हैं, आपको क्या खिलाना चाहिए, क्या वो कैसा वो चीज़। गर्भपात क्या होता है, गर्भपात होता है बच्चे को गिराना, मान लीजिए आप प्रेग्नेंट हैं और आप अपने बच्चे को गिराना चाहते हैं, ठीक है ना, प्रेग्नेंट है मतलब कि एक देखो मेडिसिन आती है, तो ये 24 घंटे के लिए आती है, मतलब आपने जैसे सेक्स किया किसी के साथ में, रिलेशन में आए, उसके बाद 24 घंटे अंदर खा लोगे तो वो आप क्या है, आपका प्रेग्नेंट नहीं होगी आप, ठीक है, तो गर्भपात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गर्भपात उतनी टाइम हो जाता है जस्ट नाउ, तो ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, एक होता है 52 दिन वाली टैबलेट आती है, 52 दिन वाली भी टैबलेट आती है खाने को, तो उस तरीके से गर्भपात होता है, उनका कारण क्या होता है गर्भपात करने का, तो वो चीज़ है। लेकिन गर्भपात करना एक कानूनी अपराध है, ये भी आप जानते हैं। तो स्तनपात का लाभ क्या होते हैं, स्तनपान के लाभ क्या होते हैं, स्तनपान के लाभ के बारे में आप देख लेना है। नवजात शिशु की देखभाल कैसे करेंगे, एक छोटा सा बच्चा है तो आप उसके शिशु की देखभाल किस तरीके से करने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन थे 2022 में आने वाले वृद्धि और विकास के, रक्तचाप छोड़ दीजिए, ठीक है, भाप के दबाव से पकने का सिद्धांत क्या होता है, ये पढ़ सकते हैं। प्रेशर कुकर वगैरह तो ये सब जानते हैं, बना बना के लेके आएंगे, अब बहुत टैलेंटेड लड़कियां होती हैं आजकल की, आप मुझे पता है यार, ठीक है, तो आप भी यार टैलेंटेड हैं, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी दिक्कत है तो यार हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, या फिर आप सिंपल तरीके से व्हाट्सअप नंबर भी नोट कर सकते हैं, हमारा 7037327738 और 38, आप ही हमारा व्हाट्सअप नंबर को नोट कर लीजिए, भेजो इजी है, आप जब भी हमें संपर्क करना चाहते हैं कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कोई भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, हमारे नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू, बाय बाय।